सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आज अपने 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखना, मतलब आज से 10 दिनों में मेरा चैनल काफ़ी ग्रो हुआ है और इसमें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अनएक्सपेक्टेड था कि मैं 50 सब्सक्राइबर पहुँच पाऊँगा, हालांकि ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको बहुत फोर्स कर रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल देख ले। और मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि कोई मेरा चैनल देखे, जिसको पसंद आता है उसने ही सब्सक्राइब किया। हाँ, वीडियो में ज़रूर मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वही मेरा काम है कॉन्टेंट क्रिएटर की, मैं अपने चैनल का प्रमोशन करूँ। अब मैं किसी के हर जगह के फ़ोन में जा जाके उसको फोर्सफुली सब्सक्राइब करवाऊँगा, वो मैंने नहीं किया जो नए यूट्यूबर करते हैं। तो ये वेली काफ़ी प्राउड वाली बात है कि मेरे 50 हो गए, अब 100 भी हो जाएंगे। इसमें सिर्फ आप सबका ही योगदान है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कोटेक्स को बिल्कुल एक्सपोज कर दूंगा मैं, ठीक है। आप सोचो कि भाई ये तो उस पर ही वीडियो बनाता है, इसका बिल्कुल रोटी पानी उससे ही चलता है एक तरीके से मेरा, तो ये कोटेक्स को कैसे एक्सपोज करेगा, ठीक है। तो भाई बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सअप से, अब देखो भाई चैनल ग्रो हो रहा है तो सोशल मीडिया पे भी बंदे पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि भाई कोटेक्स कैसा है, रियल है कि फेक है। तो मेरे पास कम से कम जब से मैंने यूट्यूब खोला है, जब से मेरा थोड़ा बहुत भी ग्रो हुआ है, तब से 20 से 30 मैसेज आ चुके हैं कि भाई कोटेक्स सच में जेन्यून है, जैसा तुम वीडियो में दिखाते हो या और यूट्यूबर दिखाते हैं, ये सच में विड्रो या कुछ ऐसा कुछ देता है। तो भाई यार विड्रो प्रूफ मैं अभी दूंगा, इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसमें विड्रो प्रूफ दूंगा भाई, क्योंकि उस टाइम में अपना ना मैं सोच रहा हूँ बड़ा विड्रॉ करूँ, जैसे 20 लाख 30 लाख हो गए या 10 लाख रुपए हो गए, ये विड्रॉ करूँगा इतना पैसा मैं, तब मैं आपको शो करूँगा कि भाई कोटेक्स के लिए मजाक है ये पैसा, ठीक है। अब आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, आप शायद इसको सोच के, मतलब ये सुन के बुरा मत मानिएगा कि यार ये जो छोटे लोग होते हैं ना, जो हमेशा अमीर नहीं बन पाते, मतलब ये जो छोटे लोग रहते हैं ना वो गरीब बने रहते हैं हमेशा, अमीर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? कि वो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वो बहाने बनाते कि भाई ये जेन्यून नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई जेन्यून कैसी बातें कर रहे हो, पहले सीख तो लो, पहले उससे दो पैसा तो कमा लो, फिर तो विड्रॉ करोगे ना, तभी तो विड्रॉ करोगे ना जब कुछ कमाओगे। जब कमाओगे ही नहीं तो पहले से ही सोच के अपना माइंड सेट खराब कर लोगे भाई। पहले ही आप अपना नेगेटिव कर लेते हो बिल्कुल माइंड सेट कि यार ये स्कैम है, कोटेक्स है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है, फलाना ढिमकाना, तो आपकी जो साइकोलॉजी होता है इस पर बहुत असर पड़ता है। आप जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हो, जो जो सोचते हो, वो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करती है। अगर आप पॉजिटिव रहेगी तो वो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी करेगी। अगर आप छोटी सी भी चीज़ें देखते हो ना, जैसे बहुत सारे मोस्टली लोग बोलते हैं कि उसके कमेंट जो रिव्यूज़ है वो बेकार है, मैं बता रहा हूँ रिव्यूज़ क्यों बेकार है। देखो भाई सीन क्या होता है, कोटेक्स की आप रूल रेगुलेशन पढ़ लेना कि एक डिवाइस में एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए, या जिस अकाउंट में आपका मेन अकाउंट, जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो कोटेक्स में, उसमें उसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर पाया जाता है तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो लोग जो जो करते हैं, वो लोग एक डिवाइस के अंदर 3 से 4 अकाउंट खोल लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों अकाउंट खोलते हैं, या तो मुझे लगता है वो बच्चे हैं जो अभी तक 18+ नहीं हुए हैं, वो लोग अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको कोटेक्स सस्पेंड कर देता है, ये दिक्कत है भाई, और कुछ नहीं है, और कहीं वो नहीं। और हाँ एक और कंडीशन है, अगर आपने डिवाइस, जैसे मैं इस जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फोन से ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मैंने इस डिवाइस में अपना कोटेक्स यूज करते हुए VPN यूज कर लिया, या भी कोई भी प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, तब भी मैं इस हालत में बैन हो जाऊंगा। ये क्लियर हुआ, सिर्फ यही चीज है, इस चीज से आप बैन हो जाते हो, इसके अलावा कोई भाई कुछ नहीं बना हुआ है कि कोटेक्स आपको बैन करेगा। मुझे एक बार बताओ कोटेक्स, अभी मैं इस पे भी हम कोटेक्स कहाँ से पैसा कमाता है ये मैं आगे बताऊंगा भाई। कोटेक्स का सच बताओ ना, पर डे का जो पर डे जितना कमाता है ना वो, उतना आप सोच भी नहीं सकते। एक ब्रोकरेज इतना कमा भी सकता है, जरूरदार से 2 times ज्यादा कमाता है पर डे कोटेक्स, सच बता रहा हूँ। कोटेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो जीरोधा आप जानते होंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट जिसमें ट्रेड करते हैं, उससे 2 times ज्यादा कमाता है, पर डे का बुफे होता है उसका कोटेक्स का। अब आप सोचिए जो प्लेटफॉर्म दिन के मिलियन से कमा रहा है, ठीक है, क्या वो आपके $50 रोकेगा या आपको सस्पेंड करेगा या आपको विड्रॉ नहीं देगा? कैसी बातें करते हो पागलों जैसे यार, मतलब दुनिया भर के बड़े से बड़े ट्रेडर उससे अपना कैपिटल बना के इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और आप अभी भी उस पर अटके पड़े हो भाई ये जेन्यून है कि नहीं,
विड्रो देगा कि नहीं, स्कैम तो नहीं है भाई। यही सब चीजें ना आपको ट्रेडर नहीं बना पा रही आज तक। आज तक आप इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो क्योंकि आप बहुत सारी चीजें देखते हो कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ओलम ट्रेड पर ट्रेड किया था, उस पर पैसा कमाया, उस पर बैन कर दिया मुझे, वो स्कैम था। और जबकि ओलम ट्रेड कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है, वो स्कैम कर दिया उसने, ठीक है, बिनो में किया, बिनो में मुझे अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट दिया, ज्यादा उसका जो ग्राफ था वो मैनिपुलेट रहता था, ठीक है, उससे मैं हट गया। उसने मुझे बैन कर दिया था क्योंकि उसने, उसका भी यही रूल था कि आपने बहुत सारे आईडी लॉगिन कर दी। उस टाइम मैंने सच में आईडी बहुत सारी 3 आईडी लॉगिन कर ली थी, ठीक है। और ये देखिए बिनोमो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और आपने कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट देखा है कोटेक्स का? देखा हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने नहीं देखा होगा भाई क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो स्कैमर होते हैं, जो फालतू की चीजें करते हैं, वो हर जगह दिखाते हैं। बिनोमो ऑलम ट्रेड का हर जगह हर इन्फ्लुएंसर उसका प्रमोशन करते हुए दिखेगा। ये बात समझा तो करो आप मेरे में भाई। जो चीज ज्यादा चिल्ला चिल्ला का शो ऑफ करता है ना, वो अंदर से खोखला होता है, और कोटेक्स खोखला नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है भाई एडवर्टाइजमेंट कुछ करने की। बड़े से बड़ा जो ट्रेडर तुम यूट्यूब पे देख लो, वो उससे ही पैसा कमा रहा है। अब बताओ, अब इतने सारे प्रूफ डले हुए हैं यूट्यूब पे कि भाई उनने एक एक करोड़ तक एक बंदे ने निकाला कोटेक्स से भाई, एक दिन का कमा के विड्रॉ किया है, 2-20 मिनट के अंदर उसका विड्रॉ आ गया 1 करोड़ का USDT में, बाइनेंस में। अब बताओ, अब वो भी फेक है? अगर तुम उसको भी फेक समझते हो तो मेरे भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी हुई है। अगर आप हर चीज में डाउट करते हो, ठीक है, हर चीज में वो करते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ बात, ठीक। आज मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कुछ मैसेजों से, और भी मैसेज आए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये वीडियो मेरी आती नहीं वैसे। कोटेक्स भाई लिख के ले लो, जेन्यून प्लेटफॉर्म है भाई। और यार $100 में क्या ही जाता है, 8,000 डालो, प्रॉफिट कमाओ। अगर विड्रो नहीं देता है तो और कहीं शिफ्ट हो जाओ भाई, सिंपल सिंपल। नॉलेज तो आपका कहीं पे नहीं वेस्ट नहीं होगा ना, आप कहीं और कर लेना सिंपल। 8,000 किसके लिए क्या बड़ी बात होती भाई। और ऐसे ही लोग ट्रेडिंग कर पा रहे जिनके पास आपकी साइकोलॉजी बिल्ड रहती है, ठीक है। ये हार्ड स्टूड है भाई, ठीक है। आज आज के लिए इतना इस टॉपिक पे, ठीक है। अभी मैं इसके और रहता हूँ, इसमें रेगुलेटेड है कि नहीं, क्या सीन है इसमें, ठीक है। एफिलिएट स्कैम कोटेक्स में देखो, एफिलिएट स्कैम होता है स्कैम, लेकिन एफिलिएट से किस तरीके से होता है कोटेक्स में, ये मैं बताता हूँ। समझ लो मैंने आपसे बोला कि मेरे लिंक से आप अकाउंट बना लो, ठीक है। वैसे बना लेना, बनाना हो तो, मैं कोई स्कैम स्कैम नहीं करता हूँ, इससे मुझे ही फायदा है, आपको भी। तो देखो, इससे एफिलिएट से होता है कि वो बंदा आपका अकाउंट, आप उसके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हो, उसमें डिपॉजिट करते हो, उससे ट्रेडिंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है किसी के लिंक के थ्रू अकाउंट बनाना। उससे आप एक ना एसोसिएशन में आ जाते हो, मतलब आप मेरे अंडर में आ जाते हो, तो आपका अकाउंट, अगर कुछ आप मिस्टेक भी करते हो तो आपका अकाउंट बैन नहीं हो, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। ये हम मान लेना एफिलिएट से ज्वाइन होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्कैम क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ये बात कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, शायद मैं ही पहला हूँ जो आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक तो नहीं देखा कि कोई इस तरीके की बातें कर रहा है और खुल के बात कर रहा है एफिलिएट स्कैम के बारे में। देखो एफिलिएट स्कैम में ये होता है कि आपका जो टर्नओवर होता है, जो भी मंथली आप अर्न करते हो, आपने सर वो $100 से $1,000 बना लिए, तो उसका उसमें से कट के मुझे नहीं मिलेगा। उसमें से गलत फहमी मत लेना कि उससे आपके पैसे से कट के किसी इन्फ्लुएंसर को मिलता है, नहीं मिलता भाई। कोर्टेक्स अलग से उनका फंड बना के रखा हुआ है जो एफिलिएट वाले लोग हैं, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे फंड बनता है ये, तो भाई वहां से जो कोटेक्स का फंड बना हुआ है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स का फंड बना हुआ है, उसमें से क्रिएटर्स को पैसे देते हैं, ऐसे कोटेक्स में एफिलिएट फंड बना हुआ है कि जब भी उसका मंथली टर्न ओवर पूरा होता है, आपने विड्रॉ कर लिया ₹900, तो उसमें से नहीं मिलेगा। कोटेक्स अलग से, जब आपका टर्न ओवर पूरा हो जाएगा, तो कोटेक्स अलग से उस ट्रेडर को जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए, उसको 5 या 10 वर्ड दे देगा। ये रहता है 5% टर्न ओवर, ठीक है। यह होती है, या जो भी आपके $1,000 का 5% होगा, वो कोटेक्स अपने गिरे से देगा, आपके यहां से नहीं काटेगा मेरे भाई, अपने फंड में से वो 5% दे देगा, जितना भी उसको 5% हो रहा होगा, ठीक है। देखो बहुत सारे का 99% यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करो और मैं आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सबसे पहली बात, सिग्नल जो बंदा लाइव करवाता है वो बंदा ठीक है, कि क्योंकि वो अपना लॉस भी कर रहा है, ठीक है। अगर वो सिग्नल में लॉस करेगा तो उसका अपना भी लॉस है ना, आपका तो चलो लॉस है, मेरा भी लॉस है ना।
लेकिन अगर जो सिग्नल उसमें देता है वो स्पीकर्स में देता है वो चलो प्रॉफिट होता है ठीक है, लेकिन अगर हर दिन लॉस हो रहे हैं, ध्यान सुना मेरी बात, अगर हर दिन लॉस हो रहे हैं किसी के थ्रू तो वो स्कैम है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि अगर आपकी यूट्यूब पर 95 एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी है तो आपका लॉस क्यों हो रहा है भाई? आपका हर दिन क्यों लॉस हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक एफिलिएट के थ्रू कोई बंदा ज्वाइन करता है, अगर वो बंदा लॉस करता है तो उसका 50% क्रिएटर वो इन्फ्लुएंसर को मिलता है। आप समझ में आया स्कैम कहाँ होता है? ठीक है, जो मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर क्रिएटर ट्रेडर है ना वो स्कैम करते हैं, मैं नहीं करता, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं जो कोटेक्स को प्रमोट करते हैं वो लोग स्कैम करते हैं। 95% लोग स्कैम करते हैं इसमें, क्योंकि वो अपना सिग्नल ग्रुप बना देंगे, उसमें आपको 2 दिन प्रॉफिट में रहेंगे और 5 दिन आपको लॉस करवा देंगे, ठीक है, और आपको झूठा मोटिवेशन देंगे आप फिर से डिपॉजिट करो ये लवड़ा लहसुन भाई, इससे आपका स्कैम हो रहा है, इसको 50% मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये बात खुल के कोई नहीं बताएगा भाई, बहुत गट्स चाहिए इस बात को बताने के लिए, क्योंकि इससे मेरी पब्लिक बिगड़ सकती है, जिससे मेरे कॉन्टेक्ट हैं जो वो करता है जो ये सब करते हैं उनसे मेरी थोड़ी गरज हो सकती है। ठीक है, तो भाई गाइस इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार सपोर्ट करना है, क्योंकि ये रियल बात मुझे नहीं लगता एफिलिएट वाला कोई बताता होगा। ठीक है, तो इसमें ये स्कैम है, प्लेटफॉर्म स्कैम नहीं कर रहा है, वो बंदा स्कैम कर रहा है जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं है भाई सिग्नल ग्रुप में, मैं भी 10 सब्सक्राइबर के बाद अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो बनाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं लाइव ट्रेडिंग करवाऊंगा, अगर कोई फीचर होगा या कुछ भी होगा मैं उसमें लाइव करूंगा, या जूम पे करूंगा भाई लाइव ट्रेडिंग, या तो मैं टेलीग्राम पे ही कर दूंगा लाइव। मैं लाइव करने में विश्वास रखता हूँ, लाइव आपको सिग्नल मिलेंगे कुछ भी होंगे, स्टिकर में कभी आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चाहो तो वीडियो उसमें कट कर लेना। ठीक है, तो ये स्कैम होता है कि भाई उसने लॉस करवा दिया आपका 5 5 7 में से 5 दिन, तो बस आपका 50% चला गया उसके पास, आपका नहीं गया, आपके जो चार्जेस होंगे बताऊंगा मैं। कोटेक्स का फंड बताया था ना मैंने, कोटेक्स अपने फंड में से 50% एक इन्फ्लुएंसर को दे देगा। ठीक है, ये रहता है सीन, तो ये स्कैम होता है यूट्यूबर्स स्कैम वाला। आपको डिसाइड करना है आपके किसके साथ रहना है, किससे सीखना है, किससे नहीं सीखना है, समझ में आई? ऐसे स्कैम से बच के रहो भाई। ठीक है, सिंपल है, ये आपको ज्यादा लॉसेस करवा रहा है उसका चैनल छोड़ दो, सिंपल, उसका टेलीग्राम का चैनल छोड़ दो। और जो मोस्टली यार चलो हफ्ते में 2 दिन भी लॉस करवाता है कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि किसी की इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, और वो अगर खुद का लॉस भी कर रहा है तो बात है, अगर वो खुद का नहीं कर रहा है ना स्क्रीनशॉट भेज रहा भाई मुझे इतना लॉस हुआ है, तो दिक्कत वाली बात है, लाइफ लाइफ होनी चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, और हाँ, कोटेक्स चार्ज कैसे करता है मैं बताता हूँ। कोटेक्स आपने देखा, कोटेक्स कोई चार्ज नहीं लेता है, ना ट्रेडिंग में कोई फीस काटता है, ना आपका डिपॉजिट विड्रॉ में कोई फीस काटता है। ठीक है, ये बात क्लियर, नहीं काटता है, लेकिन कोटेक्स का चार्जेस यहाँ है। जैसे आपने एसेट पे देखा होगा 90 परसेंटाइल है किसी का रिटर्न, किसी का 85 है, किसी का 70, किसी का 56 है, ऐसे परसेंटाइल रहते हैं एसेट के सामने कि आपको इतने रिटर्न मिलेंगे, आप इतने पैसे लगाओगे इसमें। जो रिटर्न के बाद रहता है ना वो रहता है कि जैसे 90% है, 90% आपका कैपिटल में से जो 10% बचेगा वो कोटेक्स लेगा। आई बात समझ में? नहीं आई मैं बताता हूँ। देखो, $100 लगाए आपने, 100 के 100 डॉलर आपने घुसा दिए एक ट्रेड में, वो 90% रिटर्न वाले में आपने, जिसमें 90% लिखा है उसमें आपने $100 घुसा दिए बिल्कुल। ठीक है, अब उस $100 का 10% कोटेक्स ले लेगा, अगर आपने लॉस किया, अगर आपने लॉस किया तो वो ले लेगा, क्योंकि दो दो मतलब बहुत सारे लोग लगाते हैं, आपने बाई की लगा दी, दूसरे बंदे ने उस सेम $100 की नीचे को ट्रेड लगा दी। ठीक है, अब भाई जरूरी नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दोनों से दोनों बंदा जीते, आपने आपकी ट्रेड लगा दी, आपका 90% रिटर्न था, तो उसने क्या किया, $100 यहाँ भी लगे, $100 ऊपर भी लगे, नीचे भी लगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई बंदा लॉस करता है और जैसे आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको आपको कोटेक्स उसके जो बंदे ने लॉस किया उसका $100 दे देगा, वो $90 दे देगा, क्योंकि 90% का रिटर्न का प्रोमिस है, और जो $10 बचेंगे 10% का वो कोटेक्स ले लेगा उसमें से। सिंपल, कोटेक्स के ये चार्जेस होते हैं। और एक और कोटेक्स का कमाने का सोर्स ये है कि वो OTC मार्केट में लोगों को ट्रैप कर देता है, मतलब उसमें मैनिपुलेशन चलती है, क्योंकि रियल मार्केट रहता नहीं है, तो OTC मार्केट से आपको बच के रहना है। OTC मार्केट एक पैटर्न में एक रैंडमली चलता है, ठीक है, उसको कैच करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, ट्रेडिंग सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो कोटेक्स के OTC मार्केट से आप बच के रहो। ठीक है, करो नहीं तो छोटे अमाउंट से OTC मार्केट में ट्रेडिंग करो। ठीक है, और OTC मार्केट से कमा लेता है, क्योंकि भाई मोस्टली 99% बंदे उसमें लॉस ही कर देते हैं, तो कोटेक्स का एक वहां पे अर्निंग सोर्स जाता है, तो
तो वो क्या ही करेगा, छोटे मोटे चार्जेस लेके आप लोगों से, जब उसको दो जगह से आपका उसका अन्य, और टूर्नामेंट भी होते हैं, टूर्नामेंट में हार जाता है, टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग हजार हजार डॉलर हार जाते हैं, तो वहां से कोटेक्स कमा लेता है। तो भाई कोटेक्स कमाने की उसकी ये है अर्निंग, उसको आपका 50 या 100 डॉलर का अकाउंट सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है भाई, वो ऑलरेडी कितना कमा लेता है, उसको जरूरत नहीं है कि यहाँ से वहां से सस्पेंड करके अकाउंट बैन करके किसी का पैसा रखूँ मैं, ठीक है, कोटेक्स यहाँ से कमा लेता है। अब आया है बात कि कोटेक्स इंडिया में लीगल है कि नहीं, लेंगे नहीं है, ठीक है। देखो भाई कोटेक्स का इंडिया में क्रिप्टो जैसा हाल है, क्रिप्टो का बिल आया बड़ी मुश्किल से, क्रिप्टो का बिल आया, ऐसे ही कुछ टाइम बाद फोरेक्स भी इंडिया में हो जाएगा लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि कोटेक्स को आए हुए बाइनरी ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस हुए हुए अभी मुश्किल से 3 से 4 या 5 साल हुए हैं इंडिया में कोटेक्स को इंट्रोड्यूस हुए हो, ठीक है। तो उसमें अभी लीगल एक्शन होने में टाइम लगेगा, मुझे लगता है 2030 तक ही होगा, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट बड़ी स्लो है, क्योंकि बिटकॉइन कब से चला आ रहा है, 2009 या 7 से चला आ रहा है क्रिप्टो, और अभी तक उसने अब जाके किया है टैक्सेशन उसमें। तो देखो इसका भी क्रिप्टो जैसा हाल है, बिल्कुल बीच में है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल ग्रे जोन में है अभी फॉरेक्स। तो अभी तो आप इसमें सेफ ट्रेड कर सकते हो, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई बंद होगा, वो बंद होने के बारे में आपको सोचने की, आपको सिर्फ अभी पैसा कमाना है इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। जितना इसमें प्लेटफॉर्म पे पैसा कमा सकते हो कोशिश करो कमाओ, विड्रो डिपॉजिट लीगल है, स्कैम है, इसके बारे में मत सोचो भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 110% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। मेरे साथ अभी तक स्कैम नहीं हुआ है, मैं इसको कम से कम 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ भाई, और मैंने बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट किए हैं, बहुत बड़े बड़े विड्रॉ भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस पूरा ये आज की वीडियो थी, आपको स्कैम भी बता दिया है मैंने, ठीक है, एफिलिएट का सब बता दिया, चार्जेस बता दिए, लीगल है कि नहीं, अब आपको डिसाइड करना है इस पर ट्रेड करना है कि नहीं करना है। लास्ट एडवाइस ये दूंगा, अगर आपको अंधा पैसा कम समय में कमाना है अच्छे प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो आप कोटेक्स में आइए, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग बैठ भाई कहाँ पहुँच गए इस प्लेटफॉर्म से, मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो बढ़िया अपने अच्छे माइंडसेट से आइए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, और बढ़िया कोटेक्स में ट्रेडिंग कीजिए, प्योर प्राइस एक्शन बेसिस में ट्रेडिंग होती है, नॉन ओटीसी मार्केट में, ओटीसी मार्केट की बात नहीं कर रहा, जो रियल मार्केट होता है उसमें ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए, विड्रो लीजिए भाई, 5 5 10 10 मिनट में विड्रो आ जाते हैं इसके लंबे लंबे, ठीक है। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो भाई गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।